नगर कौंसल की चोणां जगराओं विच होई शुरुआत लोगों विच भारी उत्साह पर मशीनां की खराबी करके रोस ते मजोसी शाही वार्ड नंबर 19 विच जिसके बूथ नगर कौंसल विच लगे हुए सन। लोगों ने प्रशासन ते लगाए इल्जाम। उम्मीदवार भी कहिंदे कि प्रशासन की ढिली कारगुजारी। जब इस बारे जगराओं के SDM नरेंद्र सिंह धालीवाल नाल साडी टीम ने फोन पर गलबात की तो क्या कि जल्द ही मशीन ठीक हो जाएगियां। जगराओं तो दविंदर जैन के नाल अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। कुल्लर साहब, तुम जिला प्रधान हो भाजपा के, इतने नगर कौंसल के मूहे खड़े हो 19 नंबर वार्ड के बार, किस की वेट कर रहे हो इस बार? तो मैं तुम्हें दसना चाहता कि सवेर के इतने वोटर बड़े परेशान है और एडमिनिस्ट्रेशन जरा भी इतने लगे हुआ सगा भी कल दे सू दसया जा रहा है भी मशीन आ गई, मशीन की चैकिंग हो रही है, ये हो रही है। हम तुम मनोगे नहीं, सवेर के इतने वोटर खड़े ने, परेशान ने और दो मशीन खराब पी 46 और 25 नंबर, और ईवन कि जो हैंडीकैप ने जो कोई बजुर्ग लोग ने वह सवेरे सवेरे इतने अपनी वोट पा आए भी टाइम सिर अपनी वोट भुगता सकन, लेकिन हुण उन्होंने आके तो ठंड के खड़े होना पै रहा और बड़ी परेशानी का जोड़ा है इतने आलम बनया हुआ और किसी तरीके की भी कोई सुनवाई नहीं हैगी। होर कि वार्ड में मशीन खराब, वार्ड नंबर 13 के भी एक मशीन खराब हो रही है और बड़ी मुश्किल हो रही है भी बड़े। मैं समझता भी ये प्रशासन को पहले ही सोचना चाहिए सीगा भी जे अज ये अपना अब वोटिंग होने जा रही है तो उन्होंने पूरे पूरे इंतजाम करने चाहिए, पुख्ता इंतजाम करने चाहिए सके। प्रशासन पूरी तरह फेल होया इस काम, प्रशासन नाल इस बाबत कोई गल हुई? गल हुई है, पहला तो SDM साहब का फोन ही बंद आ रहा है और दूसरा गरेवाल जी ने गल हुई है, दो तीन बार कह चुके हैं 5 मिनट बाद पर लेकिन हाले तक कोई सुनवाई नहीं है। तो साहब SSP साहब ने कोई राबता बनाने की कोशिश की? बिल्कुल की गई है, सारे पास किया गया है भी साढ़े जिन्हें भी कैंडीडेट है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें तो किसी भी तरीके की आँच नहीं आनी चाहिए क्योंकि वक् वक् तरीके धमकाया जा रहा है पहला भी पिछले 5-7 दिनों तो, पर लेकिन असं SSP साहब को कल मिले थे परसों और उन्होंने सारी जी पोजिशन बारे कंडीशन बारे दसिया और उन्हें भरोसा दिलाया भी किसी भी तरीके का भी कोई गलत काम इतने नहीं होंगे। वहां तकरीबन 22 वार्डों में शांतिपूर्ण काम चल रहा थोड़े हिसाब न? देखो हले मैं 4-5 वार्डों के हो गया भी एक दे मशीन खराब सी, बाकी मैं हूँ जा रहा है उसके बारे में। ये मशीन खराब कुदरती है जा कोई प्रशासन नहीं दस सकता जी, क्योंकि एक दो वार्डों के होना 13 नंबर जिसे कि सेंसिटिव वार्ड से उन्होंने ये मशीन खराब होना ये कितने ना कितने सवाल का निशान खड़ा करता है। मेरा नाम संदीप कुमार जी, वार्ड नंबर 19। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 46 ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ? ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਜੇ ਬੰਦ ਆਈ, ਹਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 46 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, 19 ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਆ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਖਰਾਬ ਸੀਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ 1 ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ।